है। चलिए आज बताना है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु क्या, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पशु बताना है। तो याद ही होगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कंगारू है। भारत का बाघ है, क्या बोला तू, बाघ। और न्यूजीलैंड का कीवी। कीवी है ना, कीवी है। अच्छा और कनाडा का, कनाडा का बीवर, बीवर बीवर, कनाडा का बीवर है। दूसरा तीसरा पर पढ़ रहे। जापान का, जापान का आइबिस लिख रहा है। आइबिस कोई जानवर है अच्छा, ठंडा पे आइबिस, जापान का। अच्छा अमेरिका कौन सा है जानवर, सही ठीक, गंजा ईगल है। अच्छा नीदरलैंड का शेर है, शेर नीदरलैंड, नीदर ही है, नीदर हमेशा कौन होता है, शेर होता है, तो नीदरलैंड से देगा शेर। अब बताना है प्रमुख भारतीय दर्शन, प्रमुख भारतीय दर्शन बताना। अच्छा न्याय दर्शन का कौन है संस्थापक है, ठीक है महर्षि गौतम है, महर्षि गौतम न्याय दर्शन का है ना। शाक्य दर्शन का है ये आपका होगा, महर्षि कपिल, ठीक है। मीमांसा दर्शन का ये हो जाएगा आपके महर्षि जैमिनी हो जाएंगे, योग दर्शन पतंजलि हो जाएगा, सही है पतंजलि। वेदांत दर्शन, हाँ वेदांत दर्शन का हो जाएगा आपके महर्षि वाद नारायण, वाद नारायण। लिंगायत दर्शन का क्या होगा, लिंगायत दर्शन का हो जाएगा ठीक है महर्षि वासवराज, कौन हो जाएगा वासवराज हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन का कौन सा हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन का, तो वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा महर्षि करार या उलूक ना, महर्षि करार या उलूक, ठीक है। अब बताइएगा प्रमुख समिति आयोग, समिति बोलिए या आयोग बोलिए उसको बताना है कि कौन सा आयोग किसके लिए है ना, किसके लिए आयोग की स्थापना किया गया, तो यही बताना है। नानावटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित है, कौन गोधरा कांड से संबंधित है, नानावटी कहाँ से, गुजरात। अच्छा लिब्राहन, लिब्रा क्या लिखा है, लिब्राहन, लिब्राहन आयोग, हाँ लिब्राहन आयोग का अगर पूछेगा तो बताएंगे हम बाबरी मस्जिद हो जाएगा, बढ़िया। फुकन आयोग, फुकन, फुकन आयोग तो तहलका टेप कांड क्या हो जाएगा, तहलका टेप कांड हो जाएगा, बढ़िया। अच्छा जैन आयोग, बहुत बढ़िया, राजीव गांधी हत्या। हंटर आयोग, ठीक है हंटर हो जाएगा, जलिया वाला बाघ हत्या का। नरसिंह समिति, नरसिंह समिति ये हो जाएगा, हाँ वित्तीय बैंकिंग सुधार, बढ़िया। आगे ज्ञान प्रकाश समिति, हाँ चीनी घोटाला, चीनी घोटाला हो जाएगा। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति ठीक है, वो भी बैंकिंग से, देखिए ये हो जाएगा भुगतान संतुलन से हो जाएगा। राजा चलाया समिति, राजा चलाया समिति है, ये हो जाएगा आपके कर सुधार, क्या हो जाएगा कर सुधार, ठीक है ना। ठक्कर आयोग, ठक्कर आयोग मतलब इंदिरा गांधी हत्याकांड, तो इंदिरा गांधी को ठोक दिया, तो ठक्कर से हो जाएगा ठोक दिया है ना, तो ठक्कर आयोग हो जाएगा इंदिरा गांधी हत्याकांड। बलवंत राय मेहता क्या हो जाएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इससे गुरु भी वो क्वेश्चन पक्का दे दे रहा है, पंचायती राज व्यवस्था से जितना क्वेश्चन बन पा रहा है अभी तक बन पाया है, पंचायती राज व्यवस्था से लगभग पूछ लिया है, तो जाना ही है ना लगभग, तो पूछ लिया है अब एबीसीडी में घुस रहा है, समझे मेरे में पूछा तो इजी पूछा था मेरा शुरुआत था तो इजी नहीं पूछेगा। पंचायती राज व्यवस्था कौन सा, मतलब कौन सा संविधान संशोधन आया था, हो गया था, आगे बताना है। बलवंत राय मेहता ये तो हो गया, सत्यम समिति, सत्यम समिति आयोग की स्थापना हुआ था किसके लिए, तो वस्त्र नीति के लिए, सही है। नरेश चंद्र समिति, नरेश चंद्र समिति इसकी संबंधित है, एविएशन सेक्टर से है, कौन सा एविएशन सेक्टर से है। और श्री कृष्ण आयोग, तो मुंबई दंगा जो हुआ था 1993 में उसे संबंधित है, कौन सा श्री कृष्ण आयोग। सरकारी आयोग ये हुआ है बहुत बार, ठीक है ये कर संबंधित है, तो सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंध है जो कर की होती है उसे संबंधित है। गोईपुरिया समिति, गोईपुरिया समिति हाँ बैंकिंग सेवा सेवा सुधार से संबंधित है। जानकी रमन समिति, जानकी रमन ये भी ठीक है, ये भी हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा।
प्रमुख पौने और उसकी स्थितियाँ, है ना। कहने का मतलब जो है, जो चलती है पौने किधर से किधर चलती है यही बताना है, उसकी स्थिति क्या है ना, ये बताना है। तो जो व्यापारिक पौने होती है बताइए उसकी स्थिति कौन सी है। देखिए उसकी स्थिति अगर बात करेंगे तो जगह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, इसकी स्थिति होती है किसका, व्यापारिक पौने का। हाँ तो व्यापारिक पौने। अच्छा पछुआ पौन, ठीक है, पछुआ पौन की बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी सॉरी पश्चिम दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, इसका स्थिति है, समझे, किसका, पछुआ पौन का। अच्छा ध्रुवीय पवन का, ध्रुवीय पवन का स्थिति क्या होगा, तो इसकी स्थिति होगा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। यानी कहने का मतलब है जो ध्रुवीय पवन है और व्यापारिक पवन है उसका स्थिति लगभग समान ही है ना, उसका भी वही है जिसका इसका है, समझे ना। अच्छा केवल है तो पछुआ पवन का अलग है, इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब बताना है कि प्रमुख राशियां और उसके भौतिक इकाई, है ना, कुछ है, इजी भी है, हार्ड भी है, मॉडरेट भी है, तो बताइए उष्मा का क्या है एसआई यूनिट, उष्मा का पूछेगा, यस ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की क्यूब हो गए ना, उष्मा है। उष्मा को किस में मापते हैं, मापते हैं लेकिन मतलब कि नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा ये घनत्व क्या होगा, ये भी होगा केज मीटर पर क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा एसआई इकाई हो जाएगा, सही है, मीटर पर सॉरी केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल और भार का क्या होगा एसआई यूनिट, न्यूटन हो जाएगा, सही है। विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसका पूछा था हमसे वाणिज्य इकाई, हाँ किलोवाट, यह हमसे पूछा था बुलडी में पहला, मतलब क्वेश्चन ईजी था, ये पूछा था हमसे। अच्छा ये बताना है कि शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चुंबकीय प्रेरण का क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण इसका हो जाएगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बढ़िया। चलिए पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, मिस्टर बोल रहे हैं, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। कोणीय वेग का, बहुत बढ़िया, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। ज्योति फ्लक्स का क्या होगा, ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ये सिर्फ वेबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ठीक है ना। तरंग धारा का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। विशिष्ट उष्मा का क्या हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा, ठीक जा रहे हो, जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, ठीक है ना। लेंस की क्षमता हो जाएगा डायोप्टर। और प्रतिदीप्त घनत्व का क्या हो जाएगा, लक्स, लक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं बताइए। जो योजना था प्रथम उसका अवधि क्या था, कार्यकाल क्या था, अवधि पूछेगा 51 से 56 हो जाएगा। प्राथमिकता किस चीज़ का दिया गया था, इसमें कृषि पर बल दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय हुआ था 1956 से 61, ठीक है। इसमें क्या था, हाँ औद्योगिकरण की व्यवस्था किया गया तो वो भी तेज गति से, आप लोग पूछे नहीं, हम सुधार देते, पूछना है। अच्छा कोई नहीं, आज सुधार लीजिएगा। ये में लिखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक, इसमें प्राथमिकता दिया गया था, वो कैसा क्वेश्चन था, किस पे बल दिया गया है, मिश्रित है, तो द्वितीय की बात कर रहा था। अच्छा तो इसमें है द्वितीय में, इसका देख लीजिए, द्वितीय बाद में देख लेंगे। इसमें जो लिखा है कि द्वितीय में तीव्र अधिकरण की बात को अपनाया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। तृतीय में क्या था, तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को बात की गई थी, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, इसमें प्राथमिकता दिया गया था इसमें, ठीक है ना। तृतीय में जिसका कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है ना। अब उसमें कुछ गैप आएगा, ठीक है, गैप आएगा। अच्छा तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब था, चौथी, अभी गैप आएगा तो बोलिए कब से कब।
ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं चौथी हो जाएगा 1969 से लेकर 1974 तक, दो साल का गैप रहा था, है ना, 66, 67, 68, है ना, 69 से शुरू हो गया था, अवकाश काल जिसे बोलते थे। तो देखिए चौथी हो जाएगा, इसमें किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, चौथा में याद रखना है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी 1974 से लेकर 1979 तक इसका दिया गया था, हाँ 40 साल चला था, लेकिन बीच में उसको रोक दिया गया था, लेकिन कार्यकाल दिया था वहां तक, लेकिन 78 में क्या था, पांचवी का 40 साल था कार्यकाल, ठीक है ना, पूछा है बहुत बार, पूछा है, हम बता भी दिए हैं बहुत बार, ठीक है ना। अच्छा, इसमें किस पर प्राथमिकता दिया गया था, गरीबी उन्मूलन को, गरीबी उन्मूलन को, लेकिन सच्चाई ऐसा कुछ था नहीं। आप रात को हम इसका मूवी हम देखें, एक है ना इंदू सरकार, इंदू सरकार मूवी देखिएगा, यूट्यूब पर है, हमको मिला था, देखे तो उसमें सच्चाई दिखाया गया, इमरजेंसी का केस जो लिखा है ना, गरीबी उन्मूलन, गरीबों को हटाओ, ये कंडीशन था, यही था, वो अपने फायदे के लिए किया गया था ये इंदिरा गांधी के द्वारा, सीट को बचाने के लिए। आगे बताना है छठी बताइए, तो ये 1980 से लेकर 1985 तक चला था, छठवा 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है, इसमें किसकी दिया गया था प्राथमिकता, है ना, इसमें दिया गया था रोजगार सृजन का, रोजगार को सृजन करना था, प्राथमिकता इसको दिया गया था, है ना। अच्छा, इसमें कौन थे प्रधानमंत्री 1980 से लेकर 1985 में, राजीव गांधी, राजीव गांधी तो आए थे विदेश से पढ़ के ना, तो ज़्यादा तो देखिएगा इसमें बात आता है, बता देते हैं, ज़्यादा तो उस पर बल दिया गया था ना कि आईटी सेक्टर को बहुत, मतलब विदेशी कंपनियों को बहुत बुलाए थे भारत में, तो देखिएगा बहुत पहले ज़माने में कुछ ना करो तो बीटेक कर लो चाहे डिप्लोमा कर लो, लोग यही बोलता था क्योंकि नौकरी मिल जाता था। तो उस दो दशक था ना, वो मतलब कि आईटी के क्षेत्र में एकदम बम्पर बाहर था, बहुत विदेशी कंपनी आया तो उसको भाई चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, बहुत वैकेंसी हुआ था, जो मतलब आईटीआई भी किया उसको भी वैकेंसी, जो डिप्लोमा किया उसको भी, जो गलती से कर लिया था बीटेक उसको भी, और बीटेक वाला कोई नहीं पूछ रहा है ना। तो वो फिर से अब लगता है कि कहीं हो ऐसा संभावना बन रहा है कि कोई कंपनी आए, विदेशी कंपनी आए तो फिर हायर करेगा, बहुत बड़ी मात्रा में हायर करेगा, है ना। तो ये बात था वहाँ 1980-1985 के दशक में। अच्छा, साथी पंचवर्षीय था 1985 से लेकर 1990 तक था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात किया गया था, है ना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात किया गया था। अच्छा, आठवीं में क्या था, तो आठवीं था 1992 से लेकर, देखिए यहाँ भी गैप आपको दिख रहा है दो साल का, ठीक है ना, तो 1992 से 1997, ठीक है ना, इसमें किस चीज़ का प्राथमिकता दिया गया था, प्राथमिकता इसमें दिया गया था आपके कि कृषि और विकास, कृषि पर बल दिया गया था और उसको कैसे विकास करना था उस पर बल दिया गया था, सही है ना। अच्छा, आगे नौवीं पंचवर्षीय योजना, ये 1997 से लेकर 2002 तक ये चला था, सही है ना। इसमें दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण, है ना, सबको समान वितरण देना था न्यायपूर्ण से। दसवीं था 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है, 7 तक, इसमें था प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समता, क्या था, सामाजिक न्याय और समता का व्यवस्था किया गया था। 11वीं कब से कब था, हाँ 7 से 12 हो जाएगा, इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, समावेशी विकास तो करना है लेकिन तेज करना है, फास्ट करना है। बराबरी, जो बढ़ावा था उसका था 2012 से लेकर 2017 तक चला गया था, ठीक है ना, जिसमें यह कहा गया था, प्राथमिकता दिया गया था कि त्वरित समावेशी विकास भी करना है, इसमें भी तेज की बात किया गया था, हाँ नीति आयोग था, मतलब मान लिया गया है, वो जो कार्यकाल होता है ना उसको लिया जाता है, लेकिन अंदर से क्वेश्चन जब पूछा जाता है कितने सालों तक चला था तब तो बताएंगे कि यहाँ तक चला था, समझे ना। अब बताना है प्रमुख धर्म, पूजा स्थल और उसके पुस्तक, ठीक है ना। तो यहूदी जो है उनका पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सिनेगॉग बोलते हैं, बढ़िया। अच्छा, धार्मिक पुस्तक इनका कौन सा है, यहूदी का नहीं, तोरा है, कौन सा है, तोरा है, जिसको और भी एक नाम है, जिसका नाम बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, इसका नाम है ओल्ड, ठीक है, तोरा है। अच्छा, फारसी जो होता है उसका जो धार्मिक स्थल है उसका नाम क्या है, तो अग्नि मंदिर, क्या है, अग्नि मंदिर, और उसको कौन सा धार्मिक पुस्तक माना जाता है, जयंत अवेस्ता, है ना। सिमिलरिटी के रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत बार इससे पूछा है, बहुत बार पूछा है, सिमिलरिटी में एक दे देगा गायब कर देगा, है ना, इस तरह ध्यान दीजिएगा। सिख का कौन हो जाएगा धार्मिक स्थल,
सिख का धार्मिक स्थल, ठीक है, गुरुद्वारा हो जाएगा। और इनका कौन सा धार्मिक पुस्तक हो जाएगा? ये पुस्तक हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। कौन? गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। अच्छा, इस्लाम का मस्जिद हो जाएगा धार्मिक स्थल। अच्छा, इनका कुरान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ईसाई का क्या हो जाएगा? चर्च हो जाएगा, चर्च हो जाएगा। और इनका पुस्तक हो जाएगा बाइबिल हो जाएगा, ठीक है। और हिंदू, हिंदू का क्या होगा? मंदिर हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। जिसमें धार्मिक पुस्तक है रामायण और महाभारत, यही धार्मिक पुस्तक है ना। अच्छा, भगवत गीता तो आता है ना, आता है ना। तो रामायण महाभारत दोनों अलग अलग पुस्तक है ना, मेरे घर है दोनों, देखें पढ़ नहीं पाए, संस्कृत में लिखता है, उतना पैसा चाहिए पढ़ने के लिए। अगर सोचिए दूध में पढ़ दे, जितना भी धर्म देख रहे हैं ना, ये सब मनुस्मृति से लिया गया है। आप जाइएगा पढ़िएगा ना बुक, सबका सब मनुस्मृति का ये टू कॉपी है, ट्रांसलेशन है, लेकिन मनुस्मृति को ही गलत ठहराया गया था, समझे। और सब उसी से चोरी किया, सब इंग्लिश में लिख दिया है, तो हो गया हमारा बुक। मतलब कोई भी टीचर हो तो वो क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है, 10 का बुक ले लेगा, यहाँ से इसको छाँट लो, इसको यहाँ छाँट लो, और दे देगा फलानवा यादव का बुक, फलाना सर का बुक, मार्केट में आएगा न्यू लंच बुक, अलग करता है। तो वही बात है, यही ट्रांसलेट किया था सर, आप बुराई किया था, क्योंकि जब हम लोग देश में संविधान नहीं था तो हमारा देश का शासन व्यवस्था नियम कानून कैसे चलता था, है ना। तो वही हम लोग के पास मनुस्मृति। चलिए आगे बताना है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं बात करेंगे, सही है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर, एगो कम, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसका स्थापना स्थान कहाँ था? मुंबई में था, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन था, सही है ना। तत्कालीन गवर्नर कौन था? डफर था, इसलिए उसके काल में ही स्थापना हो गया था, ठीक है ना। इसके वजह से इसको बहुत लास्ट में बोला हमारे गलती है, लास्ट में सरकार है, ये पहले नाम नहीं दिया गया था कि करा, हम लोग देश आजाद करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में आया कि जो हम लोग संगठन किए हैं सपोर्ट ये किया था डफर, कि मेरा काम होगा तो डफर से डफरिंग याद हो जाएगा ना, डफर था, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा था, नहीं तो याद हो जाएगा, ऐसे याद कीजिएगा, हमेशा याद हो जाएगा। अच्छा, ये बताना है, हाँ ये बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? बहुत बढ़िया, दादा भाई नौरोजी ने। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? देख लो, सब अंग्रेजों ने किया है, ओम किया है, समझे, ये ओम किया है और तत्कालीन गवर्नर बनाया उसको। अच्छा, तो था ही तत्कालीन गवर्नर। प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष, अब थोड़ा भी आइएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, कब? 17, बिल्कुल सही है। अब प्रथम महिला अध्यक्ष, ये तो हो गया, मैं मर दे वही है तो रिपीट किए क्वेश्चन, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। अब भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा सरोजिनी नायडू, कब? 1925, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और प्रथम, बढ़िया, बहुत अच्छा, 87-86 में कौन था? दादा भाई नरोजी। अच्छा, ये जो मुस्लिम थे वो कब थे? 87। अब जो अगला पढ़ वो बताइएगा डेट। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वही थे, 86। और उसके बाद 92, उसके बाद 1906, 3 बार हुए थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कब यूले? 87 तो बोल दिया, 88 हो जाएगा ना, 88 हो जाएगा, जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है। अच्छा, गांधी द्वारा अध्यक्षता एक बार किया गया था, बेलगांव 1924, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है, 1938 में हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरा में, ठीक है ना, दोनों में ये किए हैं। हाँ, 39 में ही दिए थे, 39 में इस्तीफा दिए थे, तो कौन बनाए, कौन किसको बनाए थे? इस्तीफा दिए थे तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बनाकर गए थे, विरोध में लड़े थे, लेकिन अपना जगह देकर गए थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देकर गए थे, ये पूछता है। अच्छा, भारत के प्रथम, भारत नहीं, कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुआ था? मतलब इसमें भी फूट हुआ था 1907 में ना, सूरत अधिवेशन,
सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, राजबेरी बोस। कांग्रेस का पुनर्मिलन, फिर कांग्रेस कब मिल गया था? 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जेबी कृपलानी। और सबसे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष? अबू कलाम आजाद, उसमें कम उम्र के थे ही। अच्छा, पहली बार गांव में सब तरह स्वराज्य शब्द का प्रयोग, नहीं ऐसे नहीं, पहली बार गांव में शस्त्र कब हुआ था? फैजपुर में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1937 में गांव में हुआ था, गांव में 37। अच्छा, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। बढ़िया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब आया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के समय। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखना है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। स्थापना कब हुआ था यूनो का? 24 अक्टूबर 1945। स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप पे है। न्यूयॉर्क जो स्थापना, जो मतलब उसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, लेकिन मैनहट्टन द्वीप पे है, ठीक है ना। वर्तमान सदस्य 193 ही है, नहीं है, दक्षिण सूडान लास्ट हुआ था। लक्ष्य उद्देश्य इनका क्या है? शांति और सुरक्षा करना, ठीक है। कार्यकारी भाषा क्या क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है, कार्यकारी भाषा है, ठीक है ना। और हाँ, टोटल है, लेकिन ये कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे, जो कि कहाँ के? नॉर्वे के हैं। बढ़िया। अच्छा, अभी कौन है वर्तमान महासचिव? यूनो का कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। आईएमएफ के कौन है? मालपास, वर्ल्ड बैंक का तो कृष्णा जॉर्जिया है। आईएमएफ के कौन है? कृष्णा जॉर्जिया है, ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक का डेविड मालपास। कैसे डेविड मालपास याद रखेंगे? बैंक में माल रहता है, माल रहेगा तो डेविड मालपास, माल मतलब पैसा, है ना, समझे? बहुत बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम कल हम कुछ और सुना, चलो ठीक है। कुल सदस्य इसमें कितना है? कुल सदस्य, कुल सदस्य इसमें मतलब कितना लोग, जैसे कहने का मतलब है, जैसे अस्थाई अस्थाई होता है ना, तो कुल सदस्य 15, जिसमें अस्थाई कितना? 10, अस्थाई 10, और 5 को अस्थाई हो जाता है, ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे? हाँ हाँ, यही है सदस्य, अस्थाई 5 गो है, अस्थाई है 10 गो, टोटल 15, ठीक है। 5 लोग के बात सुना जाता है, सब स्टेप नहीं होता है। आगे, महासचिव के कार्यकाल इसका कितना होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। और अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल के लिए होता है, ठीक। अब बताने प्रमुख औषधि और उसके स्रोत, प्रमुख औषधि और उसके स्रोत क्या हो जाएगा? कुनेन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिंकोना के छाल से। निकोटिन कहाँ से? तंबाकू से। कैफीन कहाँ से? कैफीन को एल्कलॉइड भी बोलते हैं, तो चाय कॉफी से मिलता है। अच्छा, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब मिलता है अफीम से, ठीक है ना। एस्पिरिन, एक कुर्जी में वहाँ पे कुछ मर्डर हुआ था, वो दुकान में पी लिया था, वो बोल रहा था सब्जी वाला, दुकान पी के उसका मार दिया, वो तलवार से कोई बार मारा है ओकरा के, हाँ यहीं पे ना, का न्यूज में भी था वो, क्या बोलते हैं, दुकान बोल रहा था एसमेज के स्नैक, क्या होता है जी, उस बोल रहा था ना एसमेज पी लिया से स्नैक, हम कह नहीं पा रहे हैं, कोई था जो फूके वाला, वो ऐसे वो स्नैक कुछ बोल रहा था, ऐसे कुछ पी ले ना, बुरा ये हो गया था, और उसको तलावला रखकर रोड पर दौड़ा दौड़ा घोंप रहा था ना, हो मार्क मार्क मुआ दिया, आ वो लग रहा था फिर भी वो भाग रहा है, गजब का है, मतलब कि साउथ साउथ फिल्म में वहाँ पर चल रहा है ऐसे मर्डर हो रहा है। चलिए कोई नहीं, नशे में था, थक है, उसको ले गया पुलिस छुट्टी टाइम पकड़ के ले गया, उल्टा टांग दिया होगा उसको, थर्ड डिग्री दे रहा होगा, नहीं किस ग्रुप से है तू पूछता होगा, किस ग्रुप बच जाता है, माल वाला आदमी तब ना बचेगा, आपको हमको टांग के ले जाएगा तो थूर देगा,
नहीं हो, अगर आपको हमको ले जाएगा तो छोड़ेगा वो? बाप रे बाप, कहेगा कामना संगठन से बिलोंग करता है, ISI की तहरीकी के तालिबान, अब बताना पड़ेगा कि हम हैं इसका ग्रुप से, तब छोड़ेगा। समझे? आगे प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट के काम बताना है। अमोनिया गैस लोहे का चूर्ण है कैटलिस्ट ग्रुप में, ठीक है ना। क्लोरीन गैस कौन है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। वनस्पति तेल निकेल हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्कोहल गर्म एलुमिना हो जाएगा। अच्छा और बताइए कि पौधे के लिए उचित तापमान और वर्षा, बहुत ये ठीक है। जैसे चावल है ना, तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए चाहिए टेम्परेचर चावल के लिए? तो देखिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक उसको चाहिए टेम्परेचर, और वर्षा सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया, 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए चावल के लिए। तो देखिएगा चावल मतलब धान, धान के लिए पानी उपयुक्त मांगता है इसीलिए इतना है। अच्छा गेहूँ के लिए देखिए घट जाएगा, गेहूँ के लिए कितना हो जाएगा वर्षा सेंटीमीटर? बहुत बढ़िया, 50 से 75 हो जाएगा। हाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये भी घट जाता है, 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा बाजरा के लिए, बाजरा के लिए हो जाएगा टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। पहले के लोग बाजरा खाते थे, देखते ना, अभी भी जो साणवा होता है, जो साण हो भैंसा हो इसे, ठीक है, बाजरा बड़ी चाव से चबाता है इसे, समझे, क्योंकि गर्मी होता है उसमें, इसलिए देखिए टेम्परेचर कितना है। अब उसका वर्षा जो होता है ना सीमित कितना होता है, 50 से लेकर 80 तक, मानिए अप्रॉक्स 80 तक सेंटीमीटर होता है। जौ के लिए 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, इसके लिए वर्षा सीमित होगा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर चना दलहन के लिए 30 से 50 होगा, इसको पानी चाहिए नहीं, 30 से 50 चाहिए, ठीक है, 30 से 50 चाहिए सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, वर्षा जल, और इसका टेम्परेचर होगा कितना, 15 डिग्री सेल्सियस लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अच्छा तंबाकू के लिए, तंबाकू खैनी बीड़ी, इसका हो जाएगा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर बीच में वर्षा जल चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर 16 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, समझे, तंबाकू के लिए। और कपास के लिए ये 20 डिग्री सेल्सियस लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका वर्षा कितना चाहिए औसतन, तो औसतन चाहिए 50 से लेकर 100 चाहिए, ठीक है ना। एक और बताते चाय के लिए, चाय के लिए टेम्परेचर 24 लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो वर्षा जल होना चाहिए औसतन कितना होना चाहिए, तो 150 से अधिक होना चाहिए, यानी अवसर में कहीं 160 मिनट 170 मिनट लगा देना है, 150 से अधिक मार देना है। अब बताना है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उसके शासक, दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, संस्थापक था, किसका था, गुलाम वंश का था, ठीक है, गुलाम वंश का था। इसका शासन काल बताइए, 1206 से लेकर 1210 है ना, 1206 से लेकर 1210। उसके बाद आया था आराम शाह, आराम करने आया था। इसका कार्यकाल तो ज़्यादा देर आराम नहीं किया, 1210 से लेकर 1211 तक आराम किया, मतलब एक साल आराम किया, है ना। उसके बाद आ गया कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है, ऐसे संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ही इसको विस्तार बहुत अच्छे किया, मतलब इसका कार्यकाल भी अच्छा रहा, 1210 लेकर 1236 तक रहा। उसके बाद आ जाएगी रजिया सुल्तान, रजिया नहीं आया हो, कुछ समय के लिए आया है, एक नाम है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज जो कि 1236 तक ही सीमित है, आया वो एक दो महीने में निपट गया होगा। अच्छा उसके बाद आई रजिया सुल्तान, 1236 लेकर 1240 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है ना। उसके बाद आता है मुनुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह आए थे, ये था 1240 लेकर 1242 तक। उनके बाद आया था अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 लेकर 1246 तक। उसके बाद आया था कौन, नसरुद्दीन महमूद, वो आया था आपके कब, 1240 लेकर 1266 तक, ये भी लंबा दिया है कार्यकाल। और उसके बाद था ग्यासुद्दीन बलवन, ग्यासुद्दीन बलवन ये हुआ था 1266 लेकर 1286 तक, 66 लेकर 86 तक, ठीक है। अब आएगा केकुबान और शमसुद्दीन कुमर्स, ये था 1287 से लेकर 1290 तक। अब इनका गुलाम वंश समाप्त। अब आते हैं उसके बाद कौन आया था, वंश खिली वंश आया था। अब इतना नहीं बताएंगे तो थोड़ा सा स्थापना कुछ कार्यकाल बता दें, मेन में बता देते हैं। खिली वंश का स्थापना कौन किया था, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक माना जाते हैं। इसका कार्यकाल था 1209 से 1296 तक, ठीक है ना। अच्छा लास्ट कौन आया था, इसमें ज़्यादा नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी कब आया था, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल पढ़ रहे थे, आराम से पढ़े, बढ़िया से पढ़े। 1296 से लेकर 1316 तक इसके कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी का,
सही ना। अच्छा, शिहाबुद्दीन उमर का कार्यकाल तीसरा नंबर था, 1316 तक ही था। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कौन था, कब से कब था, 1316 से लेकर 1320, सही है ना। अनसुरुद्दीन खुसर बाद था 1320 तक, ये भी खत्म। अब आया कौन, तुगलक वंश, कौन, तुगलक वंश। अच्छा, इसका संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे, इनका कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक कब आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, ये आया था 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक, ये आए थे 1351 से लेकर 1388 तक। उसके बाद आया था ग्यासुद्दीन तुगलक सेकेंड, ये कब आए थे, तो 1388 लेकर 1389 तक। उसके बाद अलबू बकर था, जिसका कार्यकाल था 1389 लेकर 1390 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि था 1390 से लेकर 1394 तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 तक। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 से लेकर 1412 तक, ठीक है। अब सैयद वंश, सैयद वंश का स्थापना कौन किया, खिजरखा किया था, ठीक है। मुबारक शाह का कार्यकाल इसका था 1421 से लेकर 1434 तक। मुबारक शाह का नाम सुना है ना, मुहम्मद शाह। अच्छा, अब बता रहे लोधी वंश का स्थापना, बहलोल लोधी संस्थापक 1491 1489 तक, ठीक है। इसका लास्ट कौन था, इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से लेकर 1596 तक। अब आपके पास 4-5 का क्वेश्चन रख रहा है, ठीक है। ये पूछता है, बताना है गुलाम वंश कब से कब तक रहा, गुलाम वंश, तो देखिए बताते हैं। ये था 1206 से लेकर 1290 तक, याद रखना है 1206 से लेकर 1290 तक इसका कार्यकाल। उसके बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश कब से कब तक, तो 1290 से लेकर 1320 तक, कब से, 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद आया था तुगलक वंश, ये था आपके 1320 से लेकर 1412 तक, ठीक है, 1412 तक, ठीक है, 12 तक। अब देख लेंगे, अब सैयद वंश देखिए, ये था 1414 से लेकर ये था आपके 1450 तक, कहीं के 1451 भी देता है। अब लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, ये सब कार्यकाल रहा है आपके दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। अब बताइए, तो दो पेज और एक लास्ट है, बताना है फटाफट, मुगल शासक और उसके शासन का बता ही दिए, ठीक है ना, चाहे कुछ नया नया है बताइए। बाबर का शासन का बताइए, 1526 लेकर 1530 तक बाबर आया, अब 26 के बाद हुमायूं 30 से लेकर 56 तक, बीच में गायब भी रहा है, ठीक है, लेकिन कार्यकाल ही देता है, हाँ बहुत दिन गायब रहा है। अच्छा, अकबर का, अब देखिए हुमायूं के बाद कौन आ गया, अकबर, तो अकबर के कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक, बढ़िया। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर के कार्यकाल 1605 लेकर 1627 तक, ठीक है। उसके बाद शाहजहां साहब आए, ये कब से कब, 1627 लेकर 1657 तक, ठीक है। उसके बाद आया शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब, अरे इनके कार्यकाल बताओ, सबसे भी आई है 1658 से लेकर 1707 तक, समझे। बहादुर शाह जफर प्रथम द्वितीय नहीं, 1707 से लेकर 1712 तक। अब आया था जहादार शाह, यही है लंपट मूर्ख, ये आ गया लंपट मूर्ख, जहादार शाह 1712 से लेकर 1713 तक रहा है। उसके बाद फरुख सियर, घृणित कायर, जिसको बोलते थे घृणित कायर, तो ये था फरुख सियर, इसको घाव हो गया था तब मर गया, कुल्ला में घाव हो गया था, इलाज के तो दोस्त भी बन गया था, फरुख सियर का 1713 से लेकर 1719 तक से कार्यकाल। उसके बाद था मोहम्मद शाह रंगीला, आ गया, ये था मोहम्मद शाह रंगीला, हमेशा मर्दों के बीच में नहीं रहता था, है ना, हाँ। मोहम्मद शाह रंगीला ये 1719 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह अब्दाली, जैसे अहमद शाह बोलते हैं, अब्दाली नहीं, अहमद शाह, ये आया था वो दूसरा है, 1748 से लेकर 1754 तक। उसके आलमगढ़ द्वितीय, तो ये था 1754 से लेकर 1759 तक। शाह आलम द्वितीय, ये 1759 से लेकर 1806 तक। उसके बाद था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के कार्यकाल बताइए, 1806 से लेकर 1873 तक। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो सबसे लास्ट है, पूछता भी है बहादुर शाह जफर, और क्या नाम है इसका, और क्या नाम है बहादुर शाह जफर, जफर द्वितीय, हाँ बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी होता है, बढ़िया। अच्छा, 1837 से लेकर 1857 तक इसका रहा है,
57 सौ मतलब 1857 ईस्वी के कार्यकाल में हुआ था, समझे? हाँ, आप बताना है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह, बता दीजिए फटाफट। अशोक चक्र किसका है? अपना देश भारत का है। चांद तारा तुर्की, चांद तारा तुर्की। पाकिस्तान वाला पढ़ते हैं, पाकिस्तान वाला किधर है? ना है वो, चांद है, चांद हमें तो छुप जाता है बादल में, है ना, छुप गया है आज है। चलिए फटाफट करें तब ना, जल्दी जाएंगे हम लोग। वाटर लिली बांग्लादेश, बांग्लादेश है ना, हो जाएगा वाटर। मैपल लीफ कनाडा, सफ़ेद लिली इटली, ईगल स्पेन, गोल्डन रॉड मैच देखना इसीलिए फटाफट, गोल्डन रॉड अमेरिका, गुलाब हम पता तो आगे बोलिएगा पाकिस्तान, ये ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन होगा। अरे गुलाब नामकरण किया है, कल भी बताए थे, गुलाब का नामकरण कौन किया है? पाकिस्तान किया है, जो आया था ना वो चक्रवात उसका। हाँ हाँ, कीवी, कीवी न्यूजीलैंड फल है। लिली फ्रांस, फ्रांस जिसका ना उनका कोई फंस जाता होता है, ले 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 ले, कैसे होता है कोई कहीं फंस जाए ले ले, तो लिली से हो जाएगा, फंस गया मतलब फ्रांस। इसका सब हमको ऐसा ऐसा ट्रिक याद है, कभी नहीं बोलेंगे आप लोग, बट बोलते नहीं है कि टाइम लगता है। गुलदाउदी, गुलदाउदी गुलदाउदी क्या हो जाएगा? जापान। दादी, दादी जब होती है ना देखिए पान खाती है, हमारे गाँव में दूची की दादी है, बुढ़ी बुढ़ी है सब, पान खाती है मतलब पान लेते आओ, तो गुलदाउदी, दाउदी मतलब दादी, का लाओ पान लाओ, जा पान ला, तो जापान का हो जाएगा जा पान ला, याद हो जाएगा, हमेशा याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। सेमरॉक आयरलैंड, कर्न फ्लावर जर्मनी, गुलाब फूल बताइए किसका है? ईरान का है। अरे पाकिस्तान पूरा छा गया है ने, चले गुलाब फूल हो जाएगा ईरान। समुद्र तट डेनमार्क, सही है ना। प्रमुख सिख गुरु और उसके कार्य बताना है। गुरु नानक इनका था सिख धर्म की स्थापना करना था। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करना था। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना करना था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन करता थे। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की निर्माण करता है, स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किए थे? अर्जुन देव ने किए थे, ये सब पूछता है। गुरु हर गोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना यही किए थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु हर गोविंद सिंह, हर गोविंद इसका नाम है, गुरु हर गोविंद। अब आया गुरु गोविंद सिंह, इसका था खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना। अब आइए प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्था, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? ये आपके खड़गवसला। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? ये है आपके नई दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है, सही है ना। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? ये हैदराबाद में है। और इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? तो कोचीन में है, कोचीन मतलब केरल में। अच्छा एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये हो जाएगा कोयम्बटूर में है। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये हो जाएगा आपके वेलिंगटन में। वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद, तो बताना है वेद जो ऋग्वेद है उपवेदों का ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ऐत्रेय और कौशिकी को बोलते हैं, है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है ना। उसका उपवेद कौन सा है इनका ऋग्वेद का? तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद, आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद का ये क्या है वेदों का ब्राह्मण? ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण है। किसका? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया है। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद, ठीक है ना। सामवेद इसका क्या हो जाएगा ब्राह्मण? इसका हो जाएगा पंचवीस। क्या हो जाएगा? पंचवीस ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा उपवेद? गंधर्व वेद हो जाएगा, बढ़िया। अर्थर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपद हो जाएगा, गोपद, गोपद ब्राह्मण, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा उपवेद? शिल्प वेद हो जाएगा। क्या? शिल्प वेद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ताज हो गया, अब हम लोग सेट बनाएंगे।